बच्चों, आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं क्षेत्रफल सदिश यानी एरिया वेक्टर। हम लोग जानते हैं कि एरिया साधारण परिस्थितियों में अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन अब हम लोग ऐसी कंडीशंस पढ़ने चल रहे हैं जहां इस एरिया को स्केलर ना मानकर वेक्टर माना जाता है। तो व्हाट इज एन एरिया वेक्टर, वी विल सी हियर व्हाट इज एरिया वेक्टर। तो इसके लिए एक बड़ा कंसेप्ट हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा बेटा कि कोई भी क्षेत्रफल, मान लेते हैं ये हमारा क्षेत्रफल है, कोई प्लेट है। सपोज दैट देयर इज ए प्लेट, ये प्लेट है। अगर इस प्लेट को हमको पेंट करना है, मान लेते हैं इसको हमको पेंट करना है, वी हैव टू पेंट इट एट बोथ साइड सपोज। तो इस प्लेट को पेंट करने की में कुछ मात्रा लगेगी, मान लेते हैं इसको पेंट कर दिया। तो इस पेंट की मात्रा क्या इस प्लेट के ओरिएंटेशन पर डिपेंड करेगी? इट मीन्स विल द अमाउंट ऑफ पेंट विल चेंज इफ वी चेंज द ओरिएंटेशन ऑफ दिस प्लेट? तो आंसर है नो। यानी कि अगर हम लोग इस प्लेट को घुमा दें, टेढ़ा कर दें, दूसरी दिशा में रख दें, तब इस पर जो पेंट की मात्रा है वह चेंज नहीं होगी। इसका अर्थ ये है कि इस सेंस में यह जो प्लेट का एरिया है वो फिक्स है। अर्थात अगर हमने इसको चेंज किया, हमने इसको घुमाया, तो इस पर लगने वाले जो पेंट की मात्रा है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका अर्थ ये है कि उस पेंट की मात्रा के लिए, उस फिजिकल क्वांटिटी के लिए इस प्लेट का जो एरिया है वो फिक्स है। दैट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन द ओरिएंटेशन, इसके घुमाव पर पेंट की मात्रा बदल नहीं रही है। इसका अर्थ ये है कि इस सेंस में इस प्लेट का एरिया निश्चित है। इसी तरह से अगर हम दूसरी चीज लें, मान लेते हैं यही प्लेट है और इस प्लेट पर इस तरह से मान लेते हैं हवा बह रही है जिसका प्रेशर फिक्स है। मान लेते हैं हवा आ रही है, इसे हवा आ रही है, प्रेशर फिक्स है। अब अगर प्लेट इस तरह से रखी है, ध्यान देना, तो इस पर जो दाब लगेगा, इस पर जो बल लगेगा इस प्लेट पर, वह कुछ होगा। अगर इस प्लेट को हम इस तरह से तिरछा कर दें, अब इस प्लेट को इस तरह से तिरछा कर दें, तो क्या इस पर लगने वाला जो बल है प्लेट पर, क्या वो वही रहेगा? अगर इस प्लेट को इस तरह से रख दें क्षैतिज हॉरिजॉन्टल, तो क्या इस पर जो बल लगेगा प्लेट पर, क्या वो वही रहेगा? हमारा उत्तर होगा नहीं। जब ये वर्टिकल रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी, तो इस कंडीशन में इस पर जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा? मैक्सिमम लगेगा। और यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा? मिनिमम, यानी कि जीरो। तो इस तरह से जब नियत दाब की एक हवा आ रही है, तो इस प्लेट पर वह बल यहाँ अधिकतम लगाएगी, यहाँ कुछ कम लगाएगी। और जैसे ही ये प्लेट का एरिया चेंज हो रहा है, यानी कि अगर इस तरह से है तो सबसे ज़्यादा बल लगेगा, ऐसे कर रहे हैं कम, ऐसे कर रहे हैं और कम, ऐसे कर रहे हैं और कम, और जब इस तरह से हो जा रहा है तो ये मिनिमम फोर्स यानी कि जीरो लग रहा है। इसका अर्थ ये है कि यहाँ पर इस क्षेत्रफल यानी कि यहाँ पर इस प्लेट का जो ओरिएंटेशन है, यानी कि झुकाव है, उसका घुमाव है, यह इस पर लगने वाले बल को बदल दे रहा है। यानी कि यहाँ पर क्षेत्रफल को की दिशा किसी न किसी क्वांटिटी को प्रभावित कर रही है। पिछले वाले कंडीशन में क्षेत्रफल को हमने टेढ़ा किया, घुमाया, ऊपर नीचे किया, आगे पीछे किया, कोई फर्क उस पेंट की मात्रा पर नहीं पड़ा। तो उस पेंट की मात्रा के लिए वहाँ पर वह एरिया स्केलर था, लेकिन यहाँ पर इस एरिया का, इस प्लेट का जो झुकाव है वो इस पर लगने वाले बल को बदल दे रहा है, इसलिए इस बल के लिए यह एरिया यहां पर
वेक्टर की तरह ट्रीट किया जाएगा, वेक्टर की तरह इसको हम सपोज करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ इस क्षेत्रफल का, इस एरिया का झुकाव जो है वह किसी फिजिकल क्वांटिटी को बदल दे रहा है। ऐसी कंडीशंस में जब एरिया का ओरिएंटेशन, जब प्लेट का ओरिएंटेशन किसी फिजिकल क्वांटिटी को प्रभावित करने लगता है, तब उस स्थिति में एरिया को वेक्टर क्वांटिटी माना जाता है, या वेक्टर इसको वेक्टर क्वांटिटी मानना पड़ता है। बिना उसको वेक्टर माने हम उसकी दिशा को नहीं दिखा पाएंगे। जैसे यहाँ अगर कोई पूछे किस दिशा में है ये प्लेट, इस दाब की, इस प्रेशर की दिशा से कितना कोण बना रहा है, तो यहाँ जब तक हम इस एरिया को वेक्टर नहीं मानेंगे तब तक हम उसकी उस दिशा को निर्धारित नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस एरिया को वेक्टर माना जाता है उन परिस्थितियों में जहाँ पर इसका झुकाव किसी भौतिक राशि को प्रभावित करने लगता है। तो गॉस की प्रमेय में एरिया वेक्टर का कंसेप्ट हम लोग यूज करेंगे, और वहाँ पर एक क्वांटिटी आएगी फ्लक्स, जो कि कुछ इसी के सिमिलर रहेगी। अगले लेसन में इसको हम देखेंगे। फिलहाल एरिया वेक्टर क्या होता है ये हम लोग को अब देखना है। तो किसी क्षेत्रफल का, किसी एरिया का को जब एरिया वेक्टर माना जाता है, तो उसमें किसी एरिया का एरिया वेक्टर उस प्लेट के एरिया के परपेंडिकुलर खींची गई एक एरो से दिखाया जाता है। इसी को हम एरिया वेक्टर, वेक्टर ए कहेंगे। इस एरिया वेक्टर का जो एरिया होगा वो उस प्लेट के एरिया के बराबर होगा। अगर ये वेक्टर ए है तो इसमें ए क्या है, इसमें जो मॉड ऑफ वेक्टर ए है या ए है, इसको कहेंगे मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया। और इस एरो की जो टिप है, एरो की जो दिशा है, वह एरिया की दिशा को प्रदर्शित करता है। किसी एरिया वेक्टर को हम बाहर की तरफ खींची गई एक एरो से दिखाते हैं। इस एरो का जो लेंथ होता है वह इस पूरे एरिया को, परिमाण को दिखाता है, और उस एरो का जो टिप है, इसका हेड है, वह इस एरिया के दिशा को प्रदर्शित करता है। यानी कि किसी भी सरफेस एरिया का जो एरिया वेक्टर है वह सरफेस के परपेंडिकुलर खींची गई एक एरो से प्रदर्शित किया जाता है। एरिया वेक्टर इज represented by an arrow which is perpendicular to that area। यानी कि अगर यह एरिया है, इसका एरिया ए है, तो वेक्टर ए को हम इस एरो से दिखाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ वेक्टर ए है, अगर इस साइड में एरो लेंगे तो वेक्टर ए इधर होगा। अगर हमें इस पॉइंट तरफ एरिया लेना है तो इसका एरो इधर होगा, यह वेक्टर ए होगा। और वेक्टर ए किसके बराबर होगा, वेक्टर ए बराबर ए इंटू एन कैप। यहाँ एन कैप क्या होगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हमें एरिया किस साइड में लेना है। अगर इस तरफ लेना है तो इधर एरिया वेक्टर का जो एकांक वेक्टर होगा वो एन कैप होगा, और अगर इस तरफ एरिया लेना है तो इस दिशा में यहाँ एन कैप होगा। तो वेक्टर एरिया, वेक्टर ए इक्वल टू ए इंटू एन कैप, where n cap is unit vector in the direction of vector a, n cap is unit vector in the direction of vector a। तो इस तरह से एरिया वेक्टर हमारा क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब किसी सरफेस का ओरिएंटेशन किसी फिजिकल क्वांटिटी को इफेक्ट करने लगता है, इस कंडीशन में एरिया को वेक्टर माना जाता है। और वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर ए इंटू एन कैप, वेक्टर ए इक्वल टू ए इंटू एन कैप। इसी तरह से अगर इसका स्मॉल एरिया वेक्टर लेना होगा तो इसको डी एस लिखा जाता है, तो डी एस इक्वल टू डी एस इंटू एन कैप। तो ये किसी भी सरफेस एरिया का स्मॉल पार्ट है जिसको वेक्टर डी एस लिखा जा सकता है, या इसी तरह कहीं इधर ऐसे मिले वेक्टर डी ए इक्वल टू तो डी ए इंटू एन कैप, इस तरह से इसको लिखा जा सकता है। तो ये हमारा एरिया वेक्टर का कंसेप्ट है।